अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं iTenco for you मेरी यूट्यूब चैनल। जी आज के इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त ऐप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस ऐप के थ्रू आप किसी भी अपने कीमती डेटा को लॉस्ट होने से, चोरी होने से आप महफूज कर सकते हैं। किस तरह? अगर आपके मोबाइल में कोई कीमती डेटा है तो आप उसको हाइड रखना चाहते हैं, उस सूरत में अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाए और आप चाहते हैं कि गुम होने की सूरत में भी मेरा डेटा, कीमती डेटा, इमेजेस, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, मेरा जो सीक्रेट डेटा हो महफूज रहे, तो आप इस ऐप के थ्रू आप उसको महफूज बना सकते हैं। किस तरह, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस तरह इसको डाउनलोड कर ले और इस तरह आपने इसको यूज़ कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा जो कुछ भी हो आपके मोबाइल होते हुए भी वो महफूज रहे, कोई उसको ना देखे, जो भी ऐप आप उसमें डेटा रखना चाहते हैं या रख दें, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, जो कुछ भी आप इसमें रखेंगे तो आपकी गैलरी में, माय फाइल में, कहीं पर भी वो शो नहीं होंगे, वो फाइल, वीडियोज़, ऑडियोज़ और इमेजेस। तो अगर आपका मोबाइल किसी के हाथ भी लग जाए, कोई दूसरा बंदा आपके मोबाइल को उठा ले, अगर वो उसको चेक भी कर ले तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका जो डेटा है, इमेजेस, वीडियोज़ आपके मोबाइल में कहाँ पर है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं किस तरह आपने इस ऐप का यूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कैसे? प्ले स्टोर को आप ओपन कर लें, जिस तरह कि यहाँ से मैं प्ले स्टोर को ओपन कर देता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है क्लॉक वॉल्ट, जिस तरह कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पर ओपन शो हो रहा है। जब आप उसको डाउनलोड करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह शो होगा। इसके थ्रू अब टाइम को भी आप चेक कर सकते हैं कि अब क्या टाइम है, और इसके अलावा जो कुछ मैंने आपको पहले बताया, आप अपने डेटा को सिक्योर भी बना सकते हैं। मैं बैक पे आ जाता हूँ, यहाँ पर भी आपको मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, टाइम शो कर रहा है क्लॉक के नाम से। इसको ओपन कर देता हूँ। जब मैं उसको ओपन कर देता हूँ तो ये क्लॉक है, लेकिन इसका जो बीच का बटन है इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें, ये 12 o'clock पे चला जाएगा, 12 बजे पर। लेकिन जब आप पहली दफ़ा इसको डाउनलोड करोगे तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन शो होगा, जिस तरह के मैंने ये ऊपर घड़ी को यहाँ से घुमा कर यहाँ पर 15 पे मैंने सेट किया हुआ है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब आप पहली दफ़ा इसको डाउनलोड करोगे तो कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लें, जिस तरह के मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं उसको ओपन कर देता हूँ। तो छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बीच का बटन, मैं यहाँ पर उसको प्रेस कर देता हूँ, अब ये ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद देखें अदर फाइल्स, पिक्चर, वीडियो, यहाँ पर जो कुछ भी आप रखें तो आपकी गैलरी और फाइल में से वो गायब हो जाएंगे। किस तरह आपने रखना है अब आप गौर से देखें। अब मैं कोई पिक्चर या अदर फाइल, पिक्चर पर क्लिक कर देता हूँ। इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एड शो हो रहा है, तो नीचे प्लस के बटन पर आप क्लिक कर लें। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद अदर फाइल्स, इम्पोर्ट ऑडियो, वीडियोस, फोटो, फोटो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक, ये व्हाट्सएप पर चला जाता हूँ, ये इमेज है मेरे पास, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर डबल इस पर ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं एक को सेलेक्ट करके और लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। वन फाइल सक्सेसफुली मूव टू वॉल्ट, यहाँ पर वो आ चुका है। अब गैलरी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे गैलरी में यह फाइल रह गया है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि कोई भी वो एप्लीकेशन फाइल नहीं है। अब इसी तरह वीडियो,
दोबारा मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर आकर छोड़ देता हूँ, ये मैंने इसको लॉक सेट किया हुआ है। दोबारा आपने बटन को प्रेस करने है, बीच का बटन, वीडियो पे आ जाता हूँ और प्लस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और इंपोर्ट वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो है, इसको प्रेस कर देता हूँ और सेलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर क्लिक कर देता हूँ और लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मूव हो रही है, अब यहाँ पर मूव हो चुकी है और वापस आ जाता हूँ गैलरी में, आपको दिखा देता हूँ कि मेरे गैलरी में ये शो हो रही है कि नहीं। गैलरी को ओपन करके यहाँ पर कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही है, ये इमेजेस हैं। अब दोबारा अनलॉक हमने कैसे कर लेना है, अगर हम यहाँ से वॉल्ट से उसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ से मैं उसको ओपन कर देता हूँ, बीच का बटन में प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से जो टाइम मैंने सेट किया हुआ है उस पर छोड़ देता हूँ और बीच का बटन फिर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और अनलॉक ये ताला को आपने खोल लेना है और ओरिजिनल पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है और अनहाइड पर प्रेस कर लेना है। अब गैलरी पर आकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गैलरी पर ये शो हो रही है कि नहीं। यहाँ से गैलरी को मैंने ओपन किया, ओपन कर लेने के बाद वो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, ये देख सकते हैं राइट साइड पर लास्ट में पहली लाइन में। तो इसी तरह आप किसी भी डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाए या किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।